गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो मैं बनाने जा रही हूँ सिमैया। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस तो सिमैयों को मैंने 250 ग्राम सिमैया ली है, बारीक कटा हुआ एक प्याज लिया है और एक आलू और हरी मिर्च जो मैंने धो के पानी में डाल दिया है, और गैस को ऑन करेंगे और इस पर फ्लेम रखेंगे, मोटी परत रखेंगे, आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई रख सकते हैं, और सिमैयों को इस तरीके से इसमें डाल देंगे, इसको रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इसको लो फ्लेम पर ही गाइस इसको फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि तो बहुत ही जल्दी जल्दी पकड़ लेता है ये और ही जला देता है। इसीलिए गाइस मोटी पट का ही आपको इस्तेमाल करना है, चाहे लोहे की कढ़ाई ले लें या नॉन स्टिक फ्लेम ले लें। इसी तरीके से तो भून लेंगे, अब आप देख सकते हैं गैस इसको फ्राई हो चुका है। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, इस तरीके से दूसरे प्लेट में कर लेंगे। अब उसी फ्लेम में डालेंगे ऑयल, आधा छोटा चम्मच, ऑयल गर्म हो चुका है गैस, ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें कटा हुआ प्याज प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, स्वाद अकॉर्डिंग नमक, इसमें गाइस महीन कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, और जो मैंने हरी मिर्च आलू नहीं नहीं काटे थे पानी में पड़े हुए हैं पहले से ही, तो उसको निकाल देंगे, फिर उसे पानी से धो लिए थे और उसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा टी स्पून से कम, गरम मसाला आधा टी स्पून से कम, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, अब इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से कर लेंगे, अब इसमें जो सिमैया है तो फ्राई की हुई सिमैया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे बनाएंगे, अब इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास, 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो गाइस मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, इसको गाइस 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब गाइस चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने लिया है हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च ली है, धनिया और लहसुन की 4 कलियां ली हैं, इसको छील लेंगे, इस तरीके से छील लेंगे। लहसुन को गाइस पहले पानी में अगर भिगो देते हैं तो ये बहुत जल्दी छिल जाता है, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी में इसको भिगो दिया आराम से छिलके निकल जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लहसुन कितनी आसानी से छिल जाता है अगर आप पानी में भिगो देते हैं तो। और मैंने 1 टमाटर लिया है, अब इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। 1 ग्राइंडर लेंगे, मिक्सी का जार, उसमें हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, 1 टमाटर, इस तरीके से इसको टमाटर को गैस छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, बहुत आसानी से पिस जाता है अगर आप साबित टमाटर रखेंगे तो। गैस ड्राई होने में प्रॉब्लम होगी। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, वन टीस्पून आमचूर पाउडर, इसमें थोड़ा सा गाइस पानी डाल देंगे, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं कि चटनी चटपटी बनके तैयार हो चुकी है।
तरीके से गैस आप चटनी पी सकते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर टमाटर के साथ थोड़ा सा लहसुन और इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे तो बहुत ही टेस्ट निकल के आता है। इस तरीके से चटनी आप गैस बना सकते हैं। सो गैस आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ अगर आपने है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेट पैन पैन हो चुका है, अब इसको देखेंगे, इसको चलाएंगे और इसमें डाल देंगे कश्मीरी मिर्च आधा टीस्पून से कम, इसको चलाएंगे। तो गैस धनिया बनके तैयार हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पक भी गई है, आलू भी पक गया है, इसको दबा के देख लेंगे, आलू भी पक गया है। इस तरीके से आप सेवैयाँ बना सकते हैं गैस। आपको चटपटी मसालेदार सेवैयों की रेसिपी कैसी लगी, अब इसको सर्व कर लेंगे। अब इसको डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, चलिए फटाफट गैस को कर देंगे बंद, इसको सर्व कर लेंगे। ये रहा चटपटी सेवैयाँ, बारीक कटा हुआ धनिया। तो गाइस इस तरीके से मैंने सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये सेवैयाँ हैं और हरी चटनी जो मैंने अभी बनाई थी, ये टमाटो केचप। इस तरीके से आप सेवैयाँ गैस आप बना सकते हैं और ये टमाटो केचप की वीडियो आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ कैसी बनी है चटपटी मसालेदार। तो गैस आपको मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे।